हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स अंडर 20,000। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बाइंग गाइड आपको बता देता हूँ, जिससे आप अपने लिए बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन चुन पाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि टॉप लोड अच्छा है या फिर फ्रंट लोड। तो क्लियर आंसर बोलो तो फ्रंट लोड ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम करता है और वाटर कंजम्पशन भी कम करता है और वॉशिंग क्वालिटी भी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। वहीं पे कंपेयर करें टॉप लोड में, तो टॉप लोड बजट रेंज में बहुत अच्छा होता है। सो बजट रेंज में अगर आपको लेना है तो टॉप लोड में जाइए। पॉइंट नंबर 2, कितने केजी का यानी कितने क्लॉथ कैपेसिटी का टॉप लोड वॉशिंग मशीन आपको लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी नीड और आपकी फैमिली नीड के ऊपर। अगर आप लोग 3 लोग तक हैं तो 6 केजी से लेकर 6.5 केजी तक इनफ रहेगा, और अगर आप 4 पीपल हैं तो 7 केजी से 7.5 केजी, और अगर आप 6 पीपल हैं तो 8 केजी से लेकर 8.5 केजी, और अगर 10 से 11 पीपल हैं तो 9 केजी से लेकर 11 केजी तक इनफ रहेगा आप लोग के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। सो टॉप लोड वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो उसमें दो तरह के टब आते हैं, एक प्लास्टिक का और एक स्टेनलेस स्टील का। सो हमेशा स्टेनलेस स्टील का ही ड्रम लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करता है वॉश में भी और लॉन्ग टर्म में भी। और वहीं बात करें बॉडी का, तो बॉडी एकदम अच्छा क्वालिटी का स्टील का होना चाहिए और उसका जो बेस रहेगा वो अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक का होना चाहिए। अगर वो स्टील का होगा तो पानी लग लग के क्रोड हो जाएगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं चल पाएगा। RPM वर्ड ये आपको बहुत ज़्यादा सुनने मिलेगा वॉशिंग मशीन की दुनिया में। इसका मीनिंग होता है रोटेशन पर मिनट। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा। ये करता क्या है ना कि आपके कपड़े में से पानी निकालता है, ये सुखाने के काम आता है। तो जितना जल्दी घूमेगा उतना जल्दी आपका कपड़ा सूखेगा, तो इसी को RPM डिनोट करते हैं। अब कुछ मार्केटिंग ट्रिक्स की बात कर लेते हैं जो कंपनी आपके ऊपर यूज़ करते हैं। आपको बहुत सारे वॉश प्रोग्राम्स के लालच दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल डे टू डे लाइफ में आप 3 से 4 वॉश प्रोग्राम ही यूज़ करते हैं। आपको कुछ 12 बोलेंगे, कुछ 8 बोलेंगे, कुछ 6 बोलेंगे। तो ये सब वॉश प्रोग्राम देख के आप कोई भी वॉशिंग मशीन को परचेस ना करें, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग बस 3 से 4 ही वॉश प्रोग्राम यूज़ करते हैं। सो दूसरा ट्रिक ये है ना कि कंपनी लोग छोटे मोटे फीचर्स को ना कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसके छोटे नाम में बड़ा नाम देते हैं, लाइक एक्वा मैजिक, ये सब लगा के आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। डेप्थ में जाके उसे ढूंढना पड़ता है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है और क्या नॉर्मल फीचर है जिसे कंपनी ने बढ़ा चढ़ा के बोला है। तो ये सारा काम टेकबेरी ने कर दिया आपके लिए। अभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ ना, जिसे आप फॉलो कीजिएगा तो आपका टॉप लोड वॉशिंग मशीन लॉन्ग टर्म में अच्छे से चलते रहेगा। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो अपने टॉप लोड वॉशिंग मशीन को 3 मंथ्स के लगभग आसपास में डिस्केल कर लीजिएगा, और अगर सॉफ्ट वाटर आता है तो 6 मंथ्स के लगभग आसपास में डिस्केल कर लीजिएगा। बाय द वे, डिस्केलिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, एक डिस्केलर आता है टैबलेट साइज़ का, उसको आप अपने टॉप लोड वॉशिंग मशीन में डालिए और वॉश प्रोग्राम चला दीजिए, जिससे कि आपका जो वॉशिंग मशीन जो सेडिमेंट जमे हुए रहेंगे वो निकल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। अच्छे डिस्केलर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जाएँ तो 80-90% ही बस फिल कीजिएगा। अगर 100% फिल कर दीजिएगा तो अच्छे से कपड़े धुलेंगे नहीं, और 80-90% रखिएगा तो अच्छे से घूमेगा और अच्छे से धुलेगा। सो अब सारे पॉइंट्स हुए खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन अंडर 20,000। सो 5th नंबर पे आता है सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन। इसका क्लॉथ कैपेसिटी है 7 kg, 3-star रेटिंग के साथ आता है। इसका टोटल वेट है 30 kg 500 ग्राम। इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो लेंथ है इसका 54 cm, विड्थ है 56 cm एंड हाइट है 92 cm। सो अब मेन फीचर्स की बात करते हैं। ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन नॉन इन्वर्टर मोटर के साथ आता है। जो इन्वर्टर मोटर वाले वॉशिंग मशीन होते हैं वो थोड़ा बिजली कम खाते हैं, लेकिन ये नॉन इन्वर्टर मोटर के साथ आता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका स्पिन स्पीड है 680 RPM। 6 वॉश प्रोग्राम्स के साथ आता है। स्टेनलेस स्टील टब के साथ आता है, जिसको सैमसंग ने डायमंड ड्रम से रिप्रेजेंट किया है। इसमें आपको जो छोटे छोटे पोर्स है ना वो डायमंड शेप के बने हुए मिलेंगे, जिससे कि अच्छे से कपड़े की स्क्रबिंग होती है और बहुत अच्छे से धुलाई होती है। मैजिक फिल्टर तो मिलता ही है, वही लिंट फिल्टर को ही मैजिक फिल्टर बोलते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपके कपड़े से छोटे छोटे निकलते हैं उसमें इकट्ठा होते हैं। इसमें आपको मेमोरी बैकअप का फीचर नहीं मिलता। मीन सपोज आपने 1 आवर का वॉश प्रोग्राम लगाया और हाफ आवर के बाद लाइन कट जाता है, तो वो वहीं से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि शुरू से स्टार्ट होगा, नहीं तो आपको वापस से स्टार्ट करना होगा। इसका नॉइज लेवल 60 dB का है, जो कि ऑन एन एवरेज हर एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन का लगभग आसपास में ही होता है। इसका मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन है 140 लीटर इन 1 वॉश प्रोग्राम। इको टब क्लीन फीचर के साथ आता है। ये फीचर लगभग आपको सारे टॉप लोड वॉशिंग मशीन में मिलता है, मीन्स टब ऑटोमेटिकली अपने आप को क्लीन कर लेगा। फिर इसमें आपको चाइल्ड लॉक का भी फीचर मिलता है। ये फीचर आपको लगभग हर एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन में मिलता है।
फिर इसमें आपको मिलता है सिंटर जेट टेक्नोलॉजी, जो भी कपड़े धुलते वक्त जाकर पल्सेटर के एकदम बॉटम में जाकर बैठ जाएंगे तो वो जो सेंटर से ना एक पानी का फवारा निकलेगा प्रेशर में, जिससे कि उसे उठा देगा और उसको अच्छा से मतलब सारे कपड़े को अच्छा से धोएगा और एक दूसरे से उलझने से रोकता है ये सेंटर जेट टेक्नोलॉजी। 2 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलता है आपको इस पूरे वॉशिंग मशीन पे एंड 2 ईयर्स की वारंटी ऑन दी मोटर। अब सर्विस की बात करें तो देखिए सैमसंग का सर्विस लगभग हर जगह अच्छा है, लेकिन सर्विस बहुत डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, आप कहाँ रहते हैं। अगर आप टीयर 1 में रहते हैं तो लगभग हर एक ब्रांड का सर्विस आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 या टीयर 4 में रहते हैं वहाँ पर सर्विस का इशू हो सकता है। इसके रिव्यूज़ की बात करते हैं तो अमेज़ॉन पे इसे टोटल 26,073 रेटिंग्स मिला है, जिसमें इसे ओवरऑल 4.4 स्टार्स मिले हैं एंड फ्लिपकार्ट पे इसे टोटल 8,516 रेटिंग्स मिले हैं, जिसमें इसे ओवरऑल 4.3 स्टार्स मिले हैं, जो कि बहुत अच्छा रेटिंग है। इसका करेंटली प्राइस चल रहा है 15,790 रुपीज़। इसके प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, मैंने इसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसका प्राइस और परचेज भी कर सकते हैं। तो प्रोज में यही एक नॉर्मल बजट में ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा है। कॉन्स की बात करें तो ये मेमोरी बैकअप के साथ नहीं आता है, मेमोरी बैकअप ये लोग को देना चाहिए था, और ये नॉन इन्वर्टर मोटर के साथ आता है, मीन्स बिजली थोड़ा ज़्यादा खाएगा, लेकिन अमेजोन पर लिस्टेड है एज ए इन्वर्टर मोटर, जो कि थोड़ा मिसलीडिंग है। इसमें और एक बहुत बड़ा मेजर कॉन ये है कि इसमें बस आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, जो कि बाकी सब ब्रांड्स को देखें तो लगभग वो 5 साल या 10 साल का वारंटी ऑन दी मोटर दे रहे हैं, जो कि ये सैमसंग इसमें नहीं दे रहा है। 4th नंबर पे IFB का टॉप लोड वॉशिंग मशीन, ये है 6.5 kg क्लॉथ कैपेसिटी के साथ आता है, इसमें 5-स्टार रेटिंग है, 35 kg इसका टोटल वेट है। इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो इसका लेंथ है 59 सेंटीमीटर, विड्थ है 57 सेंटीमीटर एंड हाइट है 95 सेंटीमीटर। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ये भी नॉन इन्वर्टर मोटर के साथ आता है, इसका स्पिन स्पीड है 720 RPM, 6 वॉश प्रोग्राम के साथ आता है, स्टेनलेस स्टील ड्रम के साथ आता है जिसको IFB क्रिसेंट मून ड्रम बोलता है, मैजिक फिल्टर के साथ आता ही है, इसमें आपको मेमोरी बैकअप का फीचर मिलता है, इसके नॉइज लेवल है 60 डेसिबल्स, वाटर कंजम्पशन इसका 120 लीटर से 140 लीटर के बीच में है। इसमें आपको मिलता है एक्वा एनर्जी का फीचर, इसमें क्या होता है कि डिटर्जेंट और पानी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं, जिससे बहुत अच्छा झाग बनता है, जिससे कपड़े की धुलाई बहुत अच्छे से होती है, और ये आपके कपड़े पर चिपकेंगे भी नहीं, जिससे सारा सारा हो जाता है ना वो इसमें नहीं होने वाला है। फिर इसमें आपको मिलता है 3D वॉश का फीचर, इसमें क्या होता है कि 3 तरफ से पानी गिरता है आपके कपड़े के ऊपर, जिससे कि वॉश बहुत अच्छा से होगा। स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, इसमें क्या होता है कि आपने कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में तो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कपड़ा का कितना वेट है, कितना पानी लगेगा, कितना डिटर्जेंट लगेगा, और वॉश प्रोग्राम चेंज कर देता है और ऑटोमेटिकली आपको धो के रेडी करके दे देगा। इसमें और एक बहुत शानदार फीचर है जो कि लो प्रेशर वाटर फिल, अगर आपके घर में पानी का प्रेशर कम आता है तब भी ये ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी आपके टब को फिल कर देगा। इसमें आपको मिलता है ऑटो डायग्नोसिस का फीचर, इसमें क्या होता है कि अगर आपके वॉशिंग मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो कुछ कोड्स आपके वॉशिंग मशीन के डिस्प्ले में दिखाई देगा, तो उस कोड को आपको सर्विस सेंटर में कॉल करके उसे बताना होगा, जिससे कि आपको सर्विस बहुत जल्दी और सही मिलेगी। ऑटो इम्बैलेंस कंट्रोल के साथ मिलता है, मीन्स बैलेंस रहेगा इधर उधर नहीं होगा, जो कि ये लगभग सारे वॉशिंग मशीन में मिलता है। वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ आता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ऑटो टॉप क्लीन फीचर के साथ तो आता ही है और शॉक प्रूफ भी है पूरी तरह से। अब इसके वारंटी पैकेज की बात करते हैं तो 4 ईयर्स की कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलती है एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन दी मोटर एंड 10 ईयर की स्पेयर पार्ट सपोर्ट मिलती है। बाय चांस अगर फ्यूचर में डिसकंटिन्यू भी हो जाता है तब भी इसके पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। सर्विस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। अब इसके रिव्यूज़ की बात करते हैं तो अमेज़ॉन पे इसको टोटल 814 रेटिंग्स मिला है, जिसमें इसे ओवरऑल 4.3 स्टार्स मिले हैं। फ्लिपकार्ट पे से टोटल 24,407 रेटिंग्स मिला है, जिसमें इसमें भी 4.3 स्टार्स मिले हैं। करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 19,500। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो प्रोज में बोलूँ बहुत अच्छे अच्छे फीचर है, कॉन्स की बात करें तो इसमें बस अगर इनबिल्ट हीटर दे देता ना इस प्राइस रेंज में तो बहुत अच्छा होता। 3rd नंबर पर आता है LG का टॉप लोड वॉशिंग मशीन, इसका क्लॉथ कैपेसिटी है 7 kg, 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, इसका टोटल वेट है 32 kg। इसकी डायमेंशन की बात करें तो 56 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, विड्थ है 54 सेंटीमीटर एंड हाइट है 97 सेंटीमीटर। अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन इन्वर्टर मोटर के साथ आता है, मीन्स ये थोड़ा कम बिजली खाएगा ना कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका स्पिन स्पीड है 700 RPM, 8 वॉश प्रोग्राम के साथ आता है, स्टेनलेस स्टील ड्रम के साथ आता है, मैजिक फिल्टर भी मिलता है, मेमोरी बैकअप के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके नॉइज लेवल की बात करें तो वाइल वॉशिंग इसका है 48 डेसिबल एंड वाइल स्पिनिंग इसका है 74 डेसिबल।
वाटर कंजम्पशन है एवरेज 120 लीटर से लेकर 140 लीटर तक। इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है कि मोटर एकदम वाटर प्रूफिंग के साथ आता है, मीन्स आपका मोटर बहुत लंबे टाइम के लिए अच्छे से चलेगा। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि है टर्बो ड्रम। पल्सेटर तो घूमता ही है, उसके साथ साथ ड्रम भी घूमता है, जिससे कि बहुत अच्छे से कपड़े घूमते हैं और बहुत अच्छे से धुलाई होती है कपड़े की। स्मार्ट डायग्नोसिस का भी फीचर मिलता है, टब क्लीनिंग का फीचर तो मिलता ही है। इसमें आपको प्री वॉश का फीचर मिलता है, जिससे कि नाम सजेस्ट करता है प्री वॉश, मीन्स मेन वॉश करने से पहले एक प्री वॉश, जिसमें कि जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं ना उसको आप थोड़ा सा अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद जो मेन वॉशिंग है वो शुरू होता है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। अब इसके वारंटी पैकेज की बात करें तो 2 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है एंड 10 ईयर्स की वारंटी ऑन द इन्वर्टर मोटर। इसका सर्विस सेंटर आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके रिव्यूज़ की बात करें तो अमेजोन पे इसे 14,558 रेटिंग्स मिला है ओवरऑल, जिसमें 4.2 स्टार्स मिले हैं। फ्लिपकार्ट पे इसे 47,118 रेटिंग्स मिला है टोटल, जिसमें इसे ओवरऑल 4.4 स्टार्स मिले हैं, जो कि बहुत अच्छा रिव्यू है। करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 17,490 रुपीज़। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसका रेट चेक कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो प्रोज में मैं बोलूँगा जो इन्वर्टर मोटर दिया है ना इन्होंने वो बहुत अच्छी बात है, और वो प्री वॉश और टर्बो ड्रम के फीचर सब अच्छे अच्छे हैं। कॉन्स की बात करूँ तो इसमें बस इनबिल्ट हीटर दे देते ना तो एकदम कंप्लीट बहुत अच्छा टॉप लोड वॉशिंग मशीन होता है इस बजट रेंज में, लेकिन ऐसे भी बहुत सही है, अब आपकी मर्जी। सेकेंड नंबर पर है फिर से सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ये अलग मॉडल है कंपेयर टू 5th नंबर में जो मैंने रखा था। इसमें फीचर्स भी ज़्यादा अच्छे हैं और प्राइस भी इसके ज़्यादा है। ये 7 kg क्लॉथ कैपेसिटी के साथ आता है, 5 स्टार इसका रेटिंग है। इसका टोटल वेट है 29.5 kg। इसकी डायमेंशन की बात करें तो लेंथ है 56, विड्थ है 54 एंड हाइट है 98 cm। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ये वॉशिंग मशीन इन्वर्टर मोटर के साथ आता है। इसका स्पिन स्पीड है 700 rpm, ये 9 वॉश प्रोग्राम्स के साथ आता है। इसमें आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील ड्रम, जो कि सैमसंग डायमंड ड्रम बोलता है। मैजिक फिल्टर तो मिलता ही है, मेमोरी बैकअप के साथ आता है। इसका नॉइज वही एवरेज है बाकी सब की तरह, लगभग 60-70 decibels के बीच में है। वाटर कंजम्पशन इसका वही 120 लीटर से लेकर 140 लीटर के बीच में है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर मिलता है जो कि है इको बबल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि एक बबल जनरेटर है जो कि डिटर्जेंट को पानी में डिसॉल्व कर देता है और उसके बाद इंजेक्ट कर देता है एयर, जिससे क्या होता है कि कपड़े में एकदम डूब के अच्छे से एकदम धुलाई करता है कपड़े के, जिससे कि आपको एकदम नीट एंड क्लीन क्लोथ मिलता है। इको बबल टेक्नोलॉजी का और एक नाम है बबल स्टॉर्म, दोनों एकदम सेम है। इसमें और एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि डिले इन, जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उनका बहुत काम आएगा। रात में सारे कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में और सुबह में चाहते हैं कि 1 घंटा का वॉश प्रोग्राम चले और सब ऑटोमेटिकली धुल के रेडी हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा। आप सुबह उठिए और बस पसार दीजिए कपड़े। इसमें और एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि वाईफाई एनेबल्ड, आप इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं से भी इसके वॉश प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है, इसका वारंटी पैकेज बहुत अच्छा है। 2 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी तो मिलती है, ऊपर से 20 ईयर्स की वारंटी ऑन द इन्वर्टर मोटर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसके रिव्यूज़ की बात करते हैं तो अमेजोन पे इसे टोटल 4,534 रेटिंग्स मिला है, जिसमें इसे ओवरऑल 4.2 स्टार्स मिले हैं। फ्लिपकार्ट पे इसे टोटल 34,263 रेटिंग्स मिला है, जिसमें इसे ओवरऑल 4.3 स्टार्स मिले हैं, जो कि बहुत अच्छा रेटिंग्स है। और इसका करेंटली प्राइस चल रहा है 18,790 रुपीज़। इसके प्राइस अप एंड डाउन होते रहते, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेक कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में ये इको बबल टेक्नोलॉजी है, वाईफाई एनेबल्ड है और डिले फीचर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सॉफ्ट क्लोजिंग लीड वाला ऑप्शन है, जो कि बहुत अच्छा है कि आराम से बंद होगा, टूटेगा नहीं जल्दी। और फिर कॉन की बात करूँ तो इसमें मुझे कुछ जनरली बात कुछ कॉन नहीं लगा, इनबिल्ट हीटर दे देते हैं तो बस ये भी बहुत एकदम सही हो जाता है। फीचर्स तो बहुत दिए हैं इन्होंने, ये बहुत अच्छा टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। फाइनली नंबर 1 पे आता है वर्लपूल का टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जिसका क्लॉथ कैपेसिटी है 7.5 kg, 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसका टोटल वेट है 28 kg। इसके डायमेंशन की बात करते हैं फटाक से, इसका लेंथ है 58 cm, विड्थ है 54 cm एंड हाइट है 101 cm। अब इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको नॉन इन्वर्टर मोटर मिलता है, 740 rpm स्पिन स्पीड के साथ आता है, 12 वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं, स्टेनलेस स्टील ड्रम के साथ तो आता ही है, मैजिक फिल्टर भी मिलता है, मेमोरी बैकअप का फीचर मिलता है, जो कि अच्छी बात है। नॉइज़ इसका भी वही नॉर्मल है बाकी सब की तरह। वाटर कंजम्पशन भी इसका 120 लीटर से लेकर 140 लीटर के बीच में है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि इसमें आपको बिल्ट इन हीटर मिलता है, गर्म पानी से कपड़े बहुत अच्छे से धुलते हैं, धुलते तो धुलते हैं, ऊपर से 99.9% तक आप बैक्टीरिया क्लीन कर देते हैं, जो बहुत हाइजीन कंसर्न होते हैं उनके लिए ये तो बहुत अच्छा है। 3 हॉट वाटर मोड्स मिलते हैं, इसमें आपको 0 फिल टेक्नोलॉजी मिलती है, मीन्स प्रेशर अगर कम है पानी का तो ये जल्दी से भर जाएगा, तब भी टब क्लीन का फीचर मिलता ही है और डिले वॉश का भी फीचर मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें आपको मिलता है 6th सेंस टेक्नोलॉजी,
इसमें क्या होता है कि सेंसर्स लगे रहते हैं और कुछ एल्गोरिदम करके ये एकदम मोस्ट इफेक्टिव मीन्स कम डिटर्जेंट कम पानी में कैसे सबसे बेस्ट वॉशिंग होगा वो डिसाइड करता है और वॉश करता है, जिससे कि वाटर सेव होगा, डिटर्जेंट सेव होगा और एनर्जी भी सेविंग होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी और मेरे लिए भी। फिर इसमें आपको मिलता है डायनेमिक्स टेक्नोलॉजी, ये इंश्योर करता है कि आपके कपड़े पे जो डिटर्जेंट हल्का फुल्का जो लगा रहता है ना, जो बाद में सारा सारा हो जाता है, वो एकदम कम से कम हो, ये इंश्योर करता है ये डायनेमिक्स टेक्नोलॉजी। अब इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। अब इसका वारंटी पैकेज की बात करें तो 2 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 5 ईयर्स की वारंटी ऑन दी नॉन इन्वर्टर मोटर के ऊपर मिलती है। अब इसके रिव्यूज़ की बात करते हैं तो अमेजॉन पे से टोटल 4,810 रेटिंग्स मिला है, जिसमें इसे ओवरऑल 4 स्टार्स मिले हैं। फ्लिपकार्ट पे से 901 रेटिंग्स मिला है, जिसमें इसे ओवरऑल 4.1 स्टार्स मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। करंटली इसका प्राइस चल रहा है 17,990 रुपीज़। इसके भी प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी ज़्यादा सस्ता मिलता है तो कभी थोड़ा महंगा मिलता है। मैंने लिंक इसका दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और इसका प्राइस भी चेक कर सकते हैं। अब कॉन्स की बात करें तो वारंटी जो मिली है ना मोटर पे बस 5 साल की, वो मुझे कम लगी। और तो यार ये नॉन इन्वर्टर मोटर है, इन्वर्टर मोटर होता तो और अच्छा होता, लेकिन बाय द वे ये बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन है, गर्म पानी से अच्छे से कपड़े धुलते हैं, आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। We'll be right back.